आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 के तमाम एग्जांपल न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4.1 करने से पहले हम थोड़ी सी प्रेशर कन्वर्जेंस के फार्मूले जहन में रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, 1 atm बराबर होता है 760 टोर के, और 1 atm बराबर होता है 14.7 psi के, यानी पाउंड स्क्वायर इंच के, और 1 atm बराबर होता है 101325 पास्कल के। और अगर स्टूडेंट्स मैं इन तीनों चीज़ों को रिवर्स करके लिखूं तो 760 टॉर हम कह सकते हैं 1 atm के बराबर होता है, और 14.7 psi बराबर होता है 1 atm के, और 101325 पास्कल बराबर होता है 1 atm के। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 14.7 psi किसके बराबर है, 1 atm के बराबर है, और साथ में 1 atm 760 टॉर के बराबर है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 14.7 psi बराबर है 760 टॉर के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, 1 atm के बराबर हैं, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर रख दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं 14.7 psi किसके बराबर है, 101325 पास्कल के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू किसके बराबर हैं, 1 atm के बराबर है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 760 टोर हमारा किसके बराबर है, 101325 पास्कल के, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये दोनों किसके बराबर हैं, 1 atm के। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको थोड़े से फार्मूले जहन में रखने हैं प्रॉब्लम नंबर 4.1 को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 4.1 क्या है हम देख लेते हैं। द प्रेशर ऑफ गैस फिल्ड इन ऑटोमोबाइल टायर इज़ जनरली मेजर्ड इन PSI। हमसे कहा है कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर यानी व्हीकल्स के टायर्स के अंदर जो प्रेशर फिल किया जाता है उसको मेजर किया जाता है PSI के अंदर, यानी पाउंड स्क्वायर इंच, ये यूनिट है किसका, प्रेशर का। और हमें क्या करना है, 32.8 PSI को कन्वर्ट करना है, सबसे पहले ATM में, फिर KPa में यानी किलो पास्कल में, और उसके बाद टॉर में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम PSI की इस वैल्यू को यानी 32.8 को कन्वर्ट करेंगे ATM में। तो स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले 14.7 PSI हमारा बराबर है किसके, 1 atm के, यानी 14.7 PSI में कितने ATM होते हैं, 1 atm होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 PSI के अंदर कितने ATM होंगे, तो 14.7 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके 1 से डिवाइड करेगा, तो 1 PSI बराबर हो जाएगा 1/14.7 ATM के। अब स्टूडेंट्स हमसे कहा है 32.8 PSI के ऊपर हमें मालूम करना है कि ATM कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 को जब हमने डिवाइड किया 14.7 से, तो वैल्यू आई 0.0680। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 32.8 से, तो फाइनली हमारे पास 32.8 PSI बराबर हो जाएंगे कितने ATM के, 2.2304 ATM। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से हम PSI को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, किलो पास्कल में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, 14.7 PSI बराबर होते हैं 101325 पास्कल के। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 PSI के अंदर कितने पास्कल होंगे, तो हम क्या करेंगे, 14.7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो 1 PSI बराबर हो जाएगा 101325 डिवाइड बाई 14.7 पास्कल के। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें मालूम करना है 32.8 PSI के ऊपर, तो इस वैल्यू को हमने सबसे पहले डिवाइड किया, तो वैल्यू आई 6892.857, और इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया 32.8 पास्कल से, तो हमारे पास 32.8 PSI बराबर हो जाएंगे 226085 पास्कल के। लेकिन हमसे यहाँ पर कहा है कि किलो पास्कल में मालूम करना है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूँ इस वैल्यू के अंदर पॉइंट कहाँ पर है, 0.5 के बाद है, अगर मुझे इसको किलो में लेके जाना है तो पॉइंट को मुझे लेकर आना पड़ेगा 6 के बाद, तो इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 226.085 मल्टीप्लाई बाय 10^3। और आपको स्टूडेंट्स पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10^3 ये हमारी वैल्यू है प्रीफिक्स की, और ये बराबर होता है किलो के, तो लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली 32.8 PSI हमारा बराबर हो जाएगा 226.085 किलो पास्कल के। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं PSI को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे टॉर में। तो सबसे पहले आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखनी है कि 14.7 PSI हमारे बराबर होते हैं 760 टॉर के। और अगर मैं आपसे कहूँ 1 PSI के अंदर कितने टॉर होंगे, तो 14.7 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 760 से डिवाइड करेगा, तो 1 PSI बराबर हो जाएंगे 760 डिवाइड बाई 14.7 टॉर के। फिर हमें मालूम करना है 32.8 PSI पर, तो 760 को हमने डिवाइड किया 14.7 से, तो वैल्यू आई 51.700, और इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे गिवन PSI की वैल्यू से, जो कि क्या है 32.8। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली हमारे पास 32.8
PSI बराबर हो जाएंगे कितने के, 1695.76 टॉर। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 4.2, इसमें क्या कहा गया है। अ सिलेंडर कंटेंट्स 2.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 STP। हमसे कहा है कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर 2.2 मोल्स हैं ऑक्सीजन गैस के यानी O2 के, और STP पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। आगे हमसे कहा है व्हेन मोर ऑक्सीजन गैस इज पम्प्ड इनटू द सिलेंडर, यानी मज़ीद अगर ऑक्सीजन गैस को फिल किया जाए सिलेंडर में, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज चेंज फ्रॉम 2.0 DM³ टू 3.4 DM³। तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा 2 DM³ से हो जाएगा। 2.0 का मतलब है 2 DM³, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो 2 DM³ से वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 3.4 DM³। तो आगे हमसे कहा है स्टूडेंट्स कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज एडिड टू द सिलेंडर, हमें मालूम करना है कि ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स को ऐड किया गया था सिलेंडर में। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। इनिशियल मोल्स को मैंने रिप्रेजेंट कराया है N1 से, और इसकी कितनी वैल्यू है 2.2 मोल, और इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 2.0 DM³, और फाइनल वॉल्यूम को मैंने V2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 3.4 DM³। और हमसे कहा है कि फाइनल मोल्स मालूम करें, N2 यानी हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे किसका। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया V1/N1=V2/N2। हमें स्टूडेंट्स N2 मालूम करना है, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, V1 और N2 की पोजीशन को चेंज करते हैं, और N1 मेरा यहाँ पर डिवाइड करा है, यहाँ के क्या होगा V2 से मल्टीप्लाई होगा। तो N2 का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, V2 × N1। V2 मैंने एज इट इज़ रखा, N1 यहाँ पर कहाँ से आया, N1 यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ के V2 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, सही है स्टूडेंट्स। और N2 और V1 की पोजीशन मैंने चेंज की, तो V1 आ गया कहाँ पर, N2 की जगह पर। तो N2 का फार्मूला बन गया V2 × N1/V1। अब हम V2 की, V1 की और N1 की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर V2 की वैल्यू पुट की 3.4, और N1 की वैल्यू मैंने पुट की 2.2, और डिवाइड कर दिया मैंने V1 की वैल्यू से क्या है 2.0। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 3.74 मोल। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4.3, हमसे कहा है लाफिंग गैस जिसका फार्मूला होता है केमिकल N2O 830°C, और उसका टेम्परेचर क्या है 30°C है, एंड 820 टॉर प्रेशर, और प्रेशर हमें बताया है लाफिंग गैस का कितना 820 टॉर। ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, साथ में वॉल्यूम भी बताया है 10.32 DM³। हमसे कहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट इट विल ऑक्यूपाई एट STP, और हमसे कहा है कि वॉल्यूम मालूम करो कि STP पर इसका कितना वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं। तो टेम्परेचर को मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट कराया है, और टेम्परेचर क्योंकि सेंटीग्रेड में गिवन है, इसको हमें लाना पड़ेगा केल्विन में, क्योंकि गैसेस का टेम्परेचर होता है केल्विन में। तो हमने फार्मूला यूज़ किया C+273, डिग्री सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, यहाँ पर आप डिग्री की साइन लगा देना, 30 में हम ऐड करेंगे 273, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी केल्विन में 303 केल्विन। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने इनिशियल प्रेशर को P1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 820 टॉर, और टॉर को ATM में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर के, तो 820 को मैंने डिवाइड कर दिया 760 से। टॉर से ATM में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि जो भी वैल्यू आपको टॉर में गिवन हो उसको आप डिवाइड कर दो 760 से। तो 820 को मैंने डिवाइड कर दिया 760 से, तो मेरे पास P1 की वैल्यू आ गई ATM में कितनी, 1.078 ATM। इनिशियल वॉल्यूम को स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर V1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 10.32 DM³, सही है स्टूडेंट्स। और क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है STP का, तो फाइनल टेम्परेचर को मैंने यहाँ पर T2 से रिप्रेजेंट कराया है, और STP पर हमारा टेम्परेचर होता है बाय डिफ़ॉल्ट 273 केल्विन। और इसी तरह से फाइनल प्रेशर हमारा STP पर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा होता है 1 ATM, तो P2 की वैल्यू मैंने ले ली 1 ATM, और फाइनल वॉल्यूम मुझे मालूम करना है, V2 की वैल्यू मुझे मालूम करनी है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे P2V2/T2=P1V1/T1, सही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे V2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो T2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके P1V1 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिखा P1×V1×T2, डिवाइड की साइन लगाई, और P2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके T1 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो P2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, T1 से।
अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1.078, तो P1 की जगह मैंने P1 की वैल्यू रखी। V1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इनिशियल वॉल्यूम के 10.32, और T2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 273। डिवाइड की साइन लगाई, P2 की वैल्यू क्या थी, 1 ATM, तो मैंने 1 पुट कर दिया, और T1 की वैल्यू क्या थी, 303। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा फाइनल कितना, 10.023। सबसे पहले आप क्या करना, न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करा देना किससे, 303 से, क्योंकि 303 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 303 आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सॉल्व करना, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, तो फाइनल वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा कितना, 10.023 DM³। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.4। एग्जाम्पल नंबर 4.4 में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 45°C। हमसे कहा है कि ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी मालूम करो 45°C पर, व्हेन द गैस इज कन्फाइंड इन सिलेंडर, जब गैस आपकी मौजूद हो, बंद हो कहाँ पर, सिलेंडर में, और कितना प्रेशर हो, 1.54 उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर हो। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। टेम्परेचर को मैंने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट कराया है, टेम्परेचर हमें डिग्री सी में गिवन है, क्योंकि गैस की बात हो रही है, तो हम इसको लेकर आएंगे टेम्परेचर को केल्विन में। तो केल्विन में लाने का क्या तरीका होता है, डिग्री सी की वैल्यू में हम 273 ऐड करते हैं, तो सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली 45 में हम 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 318 केल्विन। उसके बाद स्टूडेंट प्रेशर में को मैंने यहाँ पर पी से रिप्रेजेंट कराया है, और पी की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है 1.54 ATM, जो कि गिवन है, और R की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें पता होती है 0.0821 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन, या गिवन नहीं है, आपको डेटा में खुद से लिखना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो उसमें R की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। और M की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ली है 32 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या होता है, O2, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा ऑक्सीजन गैस का कितना, 32 ग्राम, और हमसे कहा है कि डेंसिटी मालूम करो। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेंसिटी का, क्या होता है, PM/RT। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए डेंसिटी के लिए। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, P की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1.54, और M की वैल्यू क्या थी, 32। डिवाइड की साइन लगाई, R की वैल्यू मैंने पुट की 0.0821, और T की वैल्यू मैंने पुट की 318। सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, 1.54 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 32 से, तो वैल्यू आएगी 49.28। डिवाइड की साइन लगाई, और फिर मैंने 0.0821 को मल्टीप्लाई कराया 318 से, तो वैल्यू आई 26.1078। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 1.88 ग्राम पर DM³। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.5। एग्जाम्पल नंबर 4.5 में क्या कहा गया है, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज कैप्ड इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 DM³ एट 27°C। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास 1 मोल होते अमोनिया गैस के, जिसको सिलेंडर में रखा है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमें बताया 5.5 DM³, और टेम्परेचर भी बताया है कितना, 27°C। आगे हमसे कहा है, एज्यूमिंग यानी फ़र्ज करें अमोनिया गैस इज़ रियल गैस, कि अमोनिया गैस हमारी क्या है, रियल गैस है, आइडियल गैस नहीं है। तो हमें क्या मालूम करना है, डिटरमाइनेट्स प्रेशर, प्रेशर हमें मालूम करना है, और वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट हमें बताएं अमोनिया के लिए कितने, ए की वैल्यू बताइए 4.17 ATM DM⁶, और मोल की पावर है -2, और बी की वैल्यू हमें बताइए 0.0371 DM³ per mole। तो स्टूडेंट रियल गैस के लिए हम जब प्रेशर निकालेंगे तो उसके लिए हम वेंडर वॉल फोर्सेस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो मोल्स गिवन है उसको मैंने एन से रिप्रेजेंट कराया है, 1 मोल कहा था, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 मोल, सही है। वॉल्यूम को मैंने वी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 5.5 DM³, और टेम्परेचर को स्टूडेंट्स हम लेकर आएंगे केल्विन में, क्योंकि टेम्परेचर हमारा डिग्री सी में है। तो फार्मूला मैंने लिखा C+273, सी की वैल्यू क्या है, 27, तो 27 में 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में कितना, 300 केल्विन। और साथ में स्टूडेंट्स आर की वैल्यू हमें पता है 0.0821 ATM DM³ per mole per Kelvin, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें आर की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आर की वैल्यू डेटा में लिख दी। ए की वैल्यू हमें गिवन है, वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट हमें गिवन है, ए की वैल्यू है 4.17 और इसका यूनिट ये है, और इसी तरह बी की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.0371 और यूनिट ये है, और पी हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वेंडर वॉल इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्या होती है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है P+AN² / V² ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट V-NB = nRT।
हमें स्टूडेंट्स पी मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, वी की वैल्यू और बी की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स से मैंने वैल्यूज़ पुट की, पी मुझे मालूम करना है, पी की जगह मैंने पी रख दिया, प्लस की साइन लगाई। ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, 4.17, 4.17 को मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई किससे कराएंगे स्टूडेंट्स, एन का स्क्वायर से। एन का स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने थे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो मैंने 1 रख दिया। डिवाइड की साइन लगाए स्टूडेंट्स, और वी का स्क्वायर है, वी की वैल्यू यानी वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5.5, तो 5.5 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ब्रेकेट ओवर, ब्रेकेट ये वाला स्टार्ट हो रहा है, वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5.5, माइनस की साइन लगाई। एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने थे, 1, और 1 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया बी की वैल्यू से, कितनी थी, 0.0371। इक्वल की साइन लगाई, एन की वैल्यू मैंने पुट की 1, आर की वैल्यू मैंने पुट की 0.0821 और टी की वैल्यू क्या थी, 300। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको राइट हैंड साइड बता देता हूँ, इन तीनों वैल्यूज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24.63। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी और प्लस की साइन मैंने एज इट इज़ रखी, 4.17 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4.17 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर 4.17 को डिवाइड कर देना है 5.5 के स्क्वायर से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1378, सही है। और फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। सबसे पहले मैंने क्या किया, 5.5 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या, 0.0371, क्योंकि 0.0371 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट करना तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.4629, सही है स्टूडेंट्स। अब हम आगे देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट स्टेप में, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि 5.4629 यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 24.63 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यही मैंने यहाँ पर किया है, तो 5.4629 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, सही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स क्या, 4.508, और ये वाली साइड मैंने एज इट इज़ रख दी। अब स्टूडेंट 0.1378 को अगर मैं शिफ्ट कर दूँ कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पर लेकर आऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने लिखा पी बराबर है 4.508 माइनस 0.1378, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा स्टूडेंट कितना, प्रेशर हमारे पास आ जाएगा 4.370 एटीएम। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 4.6, हमसे कहा है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कैप्ड इन अ वेजल, के हमारे पास 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन गैस के जिसको हमने रखा है एक वेजल में यानी कंटेनर में, और वॉल्यूम हमें बताया है कंटेनर का कितना, 15.5 dm³, और टेम्परेचर बताया 37°C। हमसे कहा है कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, हमें गैस का प्रेशर मालूम करना है, इफ़ अ गैस बिहेव्स एज आइडियल, अगर गैस आपकी बिहेव करे आइडियल, और बी में हमसे कहा है कि गैस बिहेव करे नॉन आइडियल यानी गैस आपकी रियल हो। वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट बताएं ऑक्सीजन गैस के लिए, ए की वैल्यू बताइए 1.36 और इसका यूनिट भी बताया है, और बी की वैल्यू बताइए 0.0381 और यूनिट भी बताया है। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 2 हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने एन से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 2 मोल, सही है। और वॉल्यूम मेरे पास कितना गिवन है 15.5 dm³, वॉल्यूम को मैंने वी से रिप्रेजेंट कराया है, और टेम्परेचर मेरे पास सेंटीग्रेड में है तो इसको हमें लाना है केल्विन में, तो फार्मूला लगाया मैंने C+273, सी की वैल्यू मैंने पुट की 37 में 273 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 310 केल्विन, और R की वैल्यू क्योंकि हम यूज़ करेंगे फार्मूले में वेंडरवाल इक्वेशन में, तो R की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी यूनिट के साथ 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन, और A हमारे पास गिवन था 1.36 यूनिट लिख दिया मैंने इसका, और B हमारे पास गिवन था 0.0381 ऑक्सीजन गैस के लिए, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया यूनिट के साथ। हमें मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, एक हमें मालूम करना है प्रेशर आइडियल गैस का, और एक हमें प्रेशर मालूम करना है नॉन आइडियल गैस का यानी रियल गैस का। तो 2 बार इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, PV=nRT, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। P हमें मालूम करना है, V की वैल्यू हमारे पास क्या है 15.5, तो V की जगह मैंने रख दिया 15.5। N की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, तो N की जगह मैंने रख दिया 2। R की जगह मैंने R की वैल्यू पुट की, और T की वैल्यू मैंने पुट कर दी 310। तो स्टूडेंट्स के बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, 15.5 को मैंने P से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 15.5P, और इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आई 50.90। 15.5 यहाँ पर P से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो P बराबर हो जाएगा 50.90 डिवाइड बाई 15.5। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो प्रेशर हमारे पास आ जाएगा 3.283 atm।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेशर आ गया किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। अब स्टूडेंट्स हम प्रेशर निकाल लेते हैं किसके लिए, रियल गैस के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेंडरवॉल इक्वेशन। तो वेंडरवॉल इक्वेशन का फार्मूला ये होता है, अभी आपको पहले भी करके बताया है इस तरह से, एक न्यूमेरिकल पी प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर और वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट। पी मुझे मालूम करना है, पी और प्लस की साइन मैंने एज इट इज़ रखी। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए हमारे पास गिवन था 1.36 और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 थे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ मैंने रख दिया 4। और डिवाइड बाय वी का स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या थी 15.5, तो मैंने कर दिया 15.5 का स्क्वायर। वी की जगह मैंने रखा स्टूडेंट 15.5, माइनस की साइन लगाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, बी की वैल्यू क्या थी 0.0381। इसके बाद मैंने एन की वैल्यू पुट की 2, आर की वैल्यू पुट की और टी की वैल्यू मैंने पुट की 310। आगे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50.902। और स्टूडेंट्स के बाद मैंने क्या किया, पी प्लस मैंने एज इट इज़ रखा और 1.36 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कराना है स्टूडेंट्स पहले आपको, और उसको डिवाइड करा देना है 15.5 के स्क्वायर से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0226। सही है स्टूडेंट। और ये वैल्यू कैसे आई स्टूडेंट, सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई कराना 0.0381 से, जो भी आपके पास वैल्यू आई उसको सब्ट्रैक्ट करना 15.5 में से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15.423। अब स्टूडेंट 15.423 यहाँ पर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो पी प्लस 0.0226 बराबर हो जाएगा 50.902 डिवाइड बाई 15.423। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 3.300। अब स्टूडेंट 0.0226 यहाँ पर ऐड हो रहा है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पर लेकर आऊँगा तो 3.300 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो पी बराबर हो गया 3.300 माइनस 0.0226। तो फाइनली हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया 3.273 एटीएम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेशर आ गया रियल गैस का, आप यहाँ पर पी रियल भी लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 4.7। एग्जांपल नंबर 4.7 में क्या कहा गया है, अ 20 डीएम क्यूब सिलेंडर इज फिल्ड विद 4.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 12 मोल्स ऑफ हीलियम गैस एट 25 डिग्री सी। हमसे कहा है कि एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम बताया है 20 डीएम क्यूब और उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल्स मौजूद हैं 4.25 और हीलियम गैस के कितने मोल्स मौजूद हैं 12 मोल्स और टेम्परेचर भी बताया है सिलेंडर का 25 डिग्री सी। हमसे कहा है कि टोटल प्रेशर मालूम करो इस गैसेस के मिक्सचर का और साथ में पार्शियल प्रेशर भी हमें मालूम करना है कि हीलियम और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। वॉल्यूम को मैंने वी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 20 डीएम क्यूब। और स्टूडेंट्स अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं ऑक्सीजन गैस के, तो उसको मैंने N1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 4.25 मोल। ऑक्सीजन गैस के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 4.25 मोल। इसी तरह से हीलियम गैस के नंबर ऑफ मोल्स को मैंने N2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 12 मोल। और अगर मैं आपसे कहूँ NT यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए सिलेंडर में, तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4.25 और N2 की वैल्यू क्या थी 12। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सिलेंडर में कितने, 16.25 मोल। और स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड में था, केल्विन में लाने के लिए क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे, तो मैंने लिखा टी बराबर है सी प्लस 273। सी की जगह मैंने वैल्यू पुट की 25 में 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में कितना, 298 केल्विन। और हमसे क्या कहा है, टोटल प्रेशर मालूम करो और साथ में पार्शियल प्रेशर मालूम करो ऑक्सीजन गैस का। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन गैस का होगा उसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है, और साथ में हमसे कहा है कि पार्शियल प्रेशर मालूम करो हीलियम गैस का, और पार्शियल प्रेशर हीलियम गैस का मैंने रिप्रेजेंट कराया है P2 से। अब स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स मैं यूज़ करूँगा जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला। क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, लेकिन पी के साथ मैंने लिख दिया पीटी यानी टोटल प्रेशर और एन के साथ मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे पीटी मालूम करना है, वी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड होगा, तो पीटी का फार्मूला बन जाएगा NtRt डिवाइड बाय वी। सही है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने थे, वैल्यूज पुट कर दो 16.25। आर की वैल्यू मैंने पुट की 0.0821 और टी की वैल्यू मैंने पुट की 298, डिवाइड कर दिया वॉल्यूम की वैल्यू से 20। सबसे पहले न्यूमरेटर को हमने सोल्व किया, इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कराना तो आपके पास वैल्यू आएगी 397.569 और डिवाइड कर देना 20 से, तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा 19.8 एटीएम। सही है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई, जो कि हम पार्शियल प्रेशर निकालते वक्त पुट करेंगे आगे। अब स्टूडेंट्स हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। सबसे पहले P1 मैंने यूज़ किया था किसके लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए, तो हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं ऑक्सीजन गैस का। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का फार्मूला क्या होता है, P
पी वन इज इक्वल टू एन वन मल्टीप्लाई बाई पी टी डिवाइड बाई एन टी। एन वन मेरा यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑक्सीजन गैस के, और पी टी मेरा यहाँ पर शो कर रहा है टोटल प्रेशर को, और एन टी शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एन वन की वैल्यू पुट कर देंगे ऑक्सीजन की। एन वन की वैल्यू क्या थी, 4.25। मल्टीप्लाई कराया किससे मैंने, पी टी से। पी टी यानी टोटल प्रेशर की वैल्यू हमने लास्ट स्टेप में क्या निकाली है, 19.8, और डिवाइड करा दिया किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल से, क्या थे, 16.25। न्यूमरेटर की वैल्यू इसको आप मल्टीप्लाई कराना, 4.25 को मैंने 19.8 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास वैल्यू आई 84.15, और डिवाइड करा दिया 16.25 से। इन दोनों वैल्यूज़ को आप जब डिवाइड कराओगे तो आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा ऑक्सीजन गैस का कितना, 5.178 atm। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे हीलियम गैस का। P2 से रिप्रेजेंट कराया था मैंने पार्शियल प्रेशर हीलियम गैस का, लेकिन फार्मूला स्टूडेंट्स क्या बनेगा, अब यहाँ पर N1 लिखा था तो यहाँ मैंने N2 लिख दिया, बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है। तो N2 मल्टीप्लाई बाय PT डिवाइड बाय NT। N2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यानी नंबर ऑफ मोल्स हीलियम गैस के क्या थे, 12, तो N2 की जगह मैंने रख दिया 12। PT की वैल्यू क्या थी, यानी टोटल प्रेशर की, 19.8, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, 16.25। 12 को मैंने 19.8 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 237.6, और डिवाइड करा दिया 16.25 से तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया हीलियम गैस का कितना, 14.621 atm। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 4.8। एग्जांपल नंबर 4.8 क्या है, ऑक्सीजन गैस इज़ प्रोड्यूस बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट। हमसे कहा है कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिएक्शन के पोटेशियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा, यानी जब उसको हम हीट करेंगे डिकम्पोज होगा तो हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। आगे हमसे कहा है द गैस इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर, और ये गैस को कलेक्ट किया जाता है वाटर की सरफेस से। इफ़ 225 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस इज़ कलेक्टेड एट 25 डिग्री सी एंड 785 मिलीमीटर मरकरी टोटल प्रेशर। हमसे कहा है कि अगर 225 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गैस का जिसको कलेक्ट किया गया है वाटर की सरफेस से, और टेम्परेचर हो 25 डिग्री सी, और प्रेशर हो 785 मिलीमीटर मरकरी, तो ऑक्सीजन गैस का मास क्या होगा जिसको कलेक्ट किया गया है वाटर की सरफेस से। और साथ में स्टूडेंट्स हमें वेपर प्रेशर बताया है 25 डिग्री सी पर कितना, 23.88 मिलीमीटर मरकरी। सही है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कराया है। वॉल्यूम की कितनी वैल्यू गिवन थी, 225 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 225 सेंटीमीटर क्यूब जो गैस का वॉल्यूम है उसको कलेक्ट किया गया था कहाँ से, वाटर की सरफेस से। तो सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 225 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा डीएम क्यूब में कितना, 0.225। सही है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू आपको मालूम करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का। यहाँ पर पी मेरा शो कर रहा है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, सही है, बराबर किसके होता है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। सही है स्टूडेंट्स, के वाटर की सरफेस से कितनी ड्राई गैस कलेक्ट हुई है उसका फार्मूला ये है। मॉइस्ट गैस का मतलब है कि वो आप कह सकते हो कि वो प्रेशर जिसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद हो। तो पी मॉइस्ट की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 785, जैसा कि आप देख सकते हो कि वाटर की सरफेस से जब गैस को कलेक्ट किया गया था तो उस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट प्रेशर जो हमें गिवन है वो मॉइस्ट गैस का गिवन है। तो पी मॉइस्ट की वैल्यू मैंने पुट कर दी 785, माइनस किया मैंने किससे, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स भी हमें गिवन है कितना था, 23.88। इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आई 761, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास किस में आई थी, ये वैल्यू हमारे पास आई थी मिलीमीटर मरकरी में। और मिलीमीटर मरकरी को लेकर आने के लिए किसके अंदर एटीएम में हम क्या करेंगे, 760 से डिवाइड कर देंगे। तो 760 से मैंने स्टूडेंट डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई एटीएम में, सही है, क्या आ गई, 1 atm। टेम्परेचर हमारा डिग्री सी में गिविन था, केल्विन में लाने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे, तो फार्मूला मैंने लिखा सी प्लस 273। सी की वैल्यू क्या है, 25 में 273 ऐड करूंगा तो मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा 298 केल्विन। और स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ ऑक्सीजन गैस का यहाँ पर मोलर मास कितना है, 16 × 32, तो मॉलिक्यूलर मास को या आप कह लो मोलर मास जो है ऑक्सीजन गैस का उसको मैंने एम से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 32 ग्राम। और हमसे कहा है कि मास मालूम करो ऑक्सीजन गैस का।
तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे देख लेते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन हम यूज़ करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास जिसको हम एम से रिप्रेजेंट कराते हैं डिवाइड बाय मोलर मास या मोलिकुलर मास आप कह सकते हो या एटॉमिक मास कह सकते हो। तो एन की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी एम डिवाइड बाय एम, तो पी वी बराबर हो जाएगा एम आर टी डिवाइड बाय एम के। हमें एम मालूम करना है तो स्टूडेंट एम यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या होगा पी वी से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एम यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके पी वी से मल्टीप्लाई हुआ, तो एम का फार्मूला क्या बन गया पी वी एम डिवाइड बाय और आर टी यहाँ एम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे जाके डिवाइड होंगे, तो फार्मूला बन गया पी वी एम डिवाइड बाय आर टी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, पी की वैल्यू मैंने पुट की 1, वी की वैल्यू मैंने पुट की 0.225 और एम की वैल्यू मैंने पुट की 32 डिवाइड की साइन लगाई, आर की वैल्यू मैंने पुट की 0.0821 और टी की वैल्यू मैंने पुट की 298। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कराना तो वैल्यू आएगी 7.2, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराना तो वैल्यू आएगी 24.465। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना तो आपके पास मास आ जाएगा किसका, ऑक्सीजन गैस का 0.294 ग्राम। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.9। एग्जाम्पल नंबर 4.9 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4.9 में हमसे कहा है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4। हमें हीलियम गैस और मीथेन गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कराना है कि इसमें से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स, मैंने M1 बराबर लिया है MHE के, यानी हीलियम गैस का जो मास है मोलर मास है उसको मैंने M1 से रिप्रेजेंट कराया है, जिसकी वैल्यू क्या है 4 ग्राम। आपको पता होगा हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है 4 ग्राम होता है। और इसी तरह से M2 की वैल्यू मैंने ली है CH4 के लिए, यानी CH4 का जो मोलर मास है आप कह लो उसको मैंने M2 से रिप्रेजेंट कराया है, और CH4 का जब आप मोलर मास निकालोगे तो क्या आएगा 16 ग्राम। सही है। हमें क्या मालूम करना है R1 डिवाइड बाई R2। R1 मेरा शो कर रहा है RHE को यानी हीलियम के रेट ऑफ डिफ्यूजन को, और R2 मेरा शो कर रहा है मीथियन यानी CH4 के रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो हमें R1 डिवाइड बाई R2 मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आपने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में फार्मूला पढ़ा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन का, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाई M1। तो अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, R1 डिवाइड बाई R2 ये तो मैंने सेम रखा, M2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 16, तो M2 की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया क्या 16, और M1 की वैल्यू क्या थी 4, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे पास R1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू आ जाएगी क्या 2। तो यही इसका स्टूडेंट आंसर है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4.10। एग्जाम्पल नंबर 4.10 में क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस ए एंड बी इज 1.5:1। हमसे कहा है कि हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस ए है और दूसरी गैस बी है, और उन दोनों गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो हमें बताया है कितना 1.5:1। आगे हमसे कहा है इफ़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए इज 16, के अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास गैस ए का 16 है तो हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है गैस बी का। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं, तो रेशियो हमें गिवन है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, तो मैंने यहाँ पर शो किया है उसे R1 डिवाइड बाय R2 से, या आप RA डिवाइड बाय RB से भी शो कर सकते हो, तो कोई भी आप एक यूज़ कर लेना जो आपको आसान लगे। 1.5:1 का मतलब है 1.5 डिवाइड बाय 1, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड की साइन, तो 1.5 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.5। और स्टूडेंट्स मैंने गैस ए के मास को M1 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो MA से रिप्रेजेंट कराया है, कोई भी एक आप यूज़ कर लेना। और कितना है गैस ए का मास 16 ग्राम, और गैस टू के मास को यानी मोलर मास को मैंने M2 से रिप्रेजेंट कराया है या MB से रिप्रेजेंट कराया है, जो कि हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला यूज़ करेंगे, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय M1। तो R1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1.5, तो R1 डिवाइड बाय R2 की जगह मैंने पुट कर दिया 1.5, इक्वल की साइन लगाई, M2 मुझे मालूम करना है, स्क्वायर रूट में M2 को मैंने एज इट इज़ रखा, और M1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी 16। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें M2 मालूम करना है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे,
तो मैंने 1.5 का स्क्वायर किया और साथ में मैंने स्क्वायर किया किसका, स्क्वायर रूट ऑफ m2 डिवाइड बाय 16 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी m2 डिवाइड बाय 16 और 1.5 का स्क्वायर आएगा 2.25। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पर 16 यहाँ पर m2 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो 2.25 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2.25 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 16 से तो मेरे पास m2 की वैल्यू आ गई, यानी गैस बी का मोलिकुलर मास मेरे पास आ गया कितना, 36 ग्राम। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.11। हमसे कहा एग्जाम्पल नंबर 4.11 में एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर इट टेक्स 290 सेकेंड फॉर अ 1.5 dm³ ऑफ हीलियम टू इफ्यूज थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन, के 290 सेकेंड लगते हैं हीलियम गैस को निकलने में एक पोरस मेम्ब्रेन से, यानी आप कह सकते हो एक सुराख से। और हीलियम गैस का हमें वॉल्यूम बताया है कितना, 1.5 dm³। तो आगे हमसे कहा है अंडर सिमिलर कंडीशंस, अगर कंडीशंस हमारी यही रहें, यानी अगर हम लें एक वॉल्यूम किसका, गैस का 1.5 dm³, कौन सी गैस का, एक अननोन गैस का जिसको हमने x से रिप्रेजेंट कराया है, लेकिन टाइम उस अननोन गैस ने लिया कितना, 1085 सेकंड, यानी उस पोरस मेम्ब्रेन से यानी उस होल से गुजरने में। तो हमें मोलर मास मालूम करना है उस अननोन गैस का। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम डेटा बना लेते हैं। तो हमारे पास टाइम गिवन है हीलियम गैस का जिसको मैंने T1 से रिप्रेजेंट कराया है, या THE आप कह सकते हो, कितना है, 290 सेकंड। और वॉल्यूम हमारे पास हीलियम गैस का और अननोन गैस का सेम है, लिहाजा मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 1.5 dm³। वॉल्यूम को मैंने V से रिप्रेजेंट कराया है और हीलियम गैस के मोलर मास को यानी मोलिकुलर मास को मैंने m1 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो MHE से रिप्रेजेंट करवाया है, कोई भी एक आप यूज़ कर लेना। और हीलियम गैस का मोलर मास क्या होता है, 4 ग्राम। और हमारे पास जो अननोन गैस का टाइम गिवन है इसको मैंने T2 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो TX से रिप्रेजेंट करवाया है, कितना है, 1085 सेकंड। और हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, या आप कह सकते हो मोलर मास मालूम करना है अननोन गैस का जिसको मैंने M2 या MX से रिप्रेजेंट करवाया है। तो स्टूडेंट अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 डिवाइड बाई m1। तो T2 की मैंने वैल्यू पुट की 1085 और T1 की वैल्यू मैंने पुट की 290, इक्वल की साइन लगाई। m2 मालूम करना है तो स्क्वायर रूट में मैंने m2 एज इट इज़ रख दिया और m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4। अब स्टूडेंट मैंने इसको सॉल्व किया, 1085 को अगर मैं डिवाइड कराऊंगा 290 से तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3.741। और स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, क्योंकि m2 मालूम करना है तो m2 को मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट में, और अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है, 2 होता है, तो लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ m2 डिवाइड बाय 2 मैंने लिख दिया। और 2 स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाऊँगा तो 3.741 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3.741 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7.482 और इक्वल हो गया एक इसके स्क्वायर रूट ऑफ m2 के। हमें m2 की वैल्यू मालूम करनी है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 7.482 का स्क्वायर आ जाएगा 55.9। तो अगर हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट डिजिट हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो 1 कर देंगे 55 में, तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा उस अननोन गैस एक्स का कितना, 56 ग्राम। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी एग्जांपल न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 4 के क्लास 11 केमिस्ट्री के, वो हमने सारे के सारे कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।